जी हाँ, जैसे आपको पहले ही पता है कि अक्षरा लापता हो गई थी। हम लोगों ने किसी तरह उन्हें ढूंढा, बहुत टाइम लग गया उन्हें ढूंढने में, पानी में हमें मिली एंड फिर हम लोग हॉस्पिटल लेकर आए। काफ़ी चीज़ें भी हुई, डॉक्टर भी जवाब नहीं दे रहे थे एंड फाइनली वो अब खतरे से बाहर है, तो सब कुछ ठीक हो गया है। बट किस वजह से ये चीज़ हुई ये भी हमें नहीं पता अभी, और इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। अभी एक्चुअली सारा ध्यान इसी पे था कि अक्षरा ठीक हो जाए पहले, एंड देन उसके बाद हम लोग पूछने की कोशिश करेंगे कि वो एग्जैक्टली वहाँ तक कहाँ, मतलब किस तरह पहुँच गए। जो कि वो बयान भी देती हैं कि वो फूल डालने गई थी, तो शायद इस वजह से कहीं रेलिंग पे उन्होंने हाथ रखा और रेलिंग टूट गई, और कहीं ना कहीं मुझे खटका लग रहा है कि शायद ये सच नहीं है, बिकॉज इतना आसान लग रहा है ये सब करना कि ये अक्षरा नहीं कर सकती है। तो ज़रूर कोई अलग पहलू है इस कहानी का भी, तो उसकी तह तक जाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई अंदाज़ा भी नहीं है किसी को कि शायद वहाँ से कुछ हुआ होगा, बिकॉज उनके साथ तो सारे जितने भी रिश्ते हैं सब क्लियर हो चुके हैं एंड अभी सब ठीक है उनके साथ, तो इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं है अभी। ओके, चाहते थे फैंस के लिए क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, जस्ट एन्जॉय द ट्रैक, बिकॉज आई नो कुछ ना कुछ अलग भी करना पड़ता है हमें ताकि स्टोरी आगे चलती रहे। तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आप लोग काफ़ी परेशान हैं, बट देखते रहिए, थोड़ा मज़ा भी आएगा, थोड़े इमोशंस के साथ खेलना भी हमें पड़ता है, तभी आप लोग हमें देखेंगे। सो कीप वॉचिंग ये रिश्ता एंड एन्जॉय इट।